बालाघाट में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर गणित के सवाल में खुद ही उलझ गई। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों का सामान्य ज्ञान परखने के लिए सवाल हल करने को दिया था। बच्चे सवाल हल नहीं कर सके तो कलेक्ट्रेट ने हेडमास्टर को ही सवाल हल करने के लिए बुला लिया। हेडमास्टर तीन बार में भी सही जवाब नहीं दे सकी। कलेक्ट्रेट ने वेतन वृद्धि रोकने और हेडमास्टर का प्रभार वापस लेने का निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार बिरसा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव पहुंचे थे। उन्होंने स्कूली बच्चों को 441 के 4 से भाग करने के लिए कहा। बच्चे का यह सवाल नहीं कर पाए। शिक्षक और हेडमास्टर सोनो धुड़वे ने कलेक्टर से कहा कि सर अभी बच्चों को सिखा रहे हैं, 2 साल लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसलिए समस्या है। कलेक्टर ने हेडमास्टर को सोना धुड़वे की सफाई सुनकर उनको ही सवाल हल करने के लिए कहा। कुछ देर के बाद मैडम ने सवाल तो हल किया लेकिन उत्तर गलत आया। कलेक्टर ने दोबारा सवाल को हल करने के लिए कहा, इस बार भी सही जवाब नहीं आया। कलेक्टर ने हेडमास्टर को पूछा कि भाग करने के बाद कैसे पता करेंगे कि यह सही है या नहीं, तो मैडम कुछ जवाब नहीं दे सकी। इस पर कलेक्टर ने जमकर पटकार लगाई। उनको एक वेतन वृद्धि रोकने और उन्हें हेडमास्टर के प्रभार से हटाने का निर्देश दिए हैं। बिरसा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव में भी अभी 98 बच्चे दर्ज हैं। इन्हें पढ़ाई के लिए यहां 4 शिक्षक पदस्थ हैं। बच्चों को पढ़ाई के स्तर को देखकर कलेक्ट्रेट ने नाराजगी जताई। इस मामले में हेडमास्टर सोना धुड़वे को बताया कि कलेक्ट्रेट स्कूल का जायजा लेने आए थे, सवाल हल करने में थोड़ी गलती हो गई। इसमें जा सकता, इसलिए हम यहां दशमलव लगाएंगे पहले और यहां कितना बार जाएगा? 2। ये 2 शेष है। ये क्या है? ये शेष। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि आपने जो 12 आप ले गए सही है? वो कैसे पता करेंगे?